एक तरफ राष्ट्रभक्ति और देश की सेवा का दिखावा और उसी सेवा के बदले मोटी तनख्वाह। क्या वाकई में यही है देश की सच्ची सेवा? अपना सब कुछ कुर्बान कर, अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाने वाले सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह भी अगर देश की आजादी के बदले तनख्वाह की मांग करते तो क्या इस भारत में हम कभी आजादी की सांस भी ले पाते? सवाल बड़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब नेताओं से कौन मांगे? आइए इन्हीं सवालों के कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के इस व्याख्यान में। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि सारस्वत और आज के अपने इस विशेष कार्यक्रम भारत का कोहिनूर में हम स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें उन्होंने हमारे जनप्रतिनिधियों के उस काले सच का खुलासा किया है जो कि आम लोगों की नजर से दूर रहता है। जी हाँ, जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद, जो कि राष्ट्र सेवा के नाम पर, भारत माता की सेवा के नाम पर मोटी तनख्वाह लेने के साथ साथ TADA और सारी सरकारी सुविधाएं लेते हैं और इसके अलावा जब आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनका भी पैसा हजम कर जाते हैं, आखिर कैसी राष्ट्रभक्ति है इन लोगों की, हमारे जनप्रतिनिधियों की कैसी ये भारत माता की सेवा है? क्या कोई भी अपनी माँ की सेवा करने के लिए इतनी मोटी तनख्वाह लेता है? जानिए इस वीडियो के द्वारा, जुड़े रहिए सक्षम न्यूज इंडिया के साथ। ये सब नेता आते हैं हमारे सामने, कहते हैं हमको देश की सेवा का एक मौका दो, ऐसे ही कहते हैं ना, देश की सेवा करनी है एक मौका दो, भारत माता की सेवा करनी है एक मौका दो। अपनी मैया की सेवा करने के लिए कोई तनख्वाह मांगता? आप अपने घर में अपनी माँ की सेवा करते हैं, मान लो पैर दबाते हैं अपनी माँ के, तो अपनी अम्मा से कहते हैं आप TA दे दे, मेरा BA दे दे, सैलरी दे दे मुझको और हर साल बढ़ा के दे क्योंकि मैं पांव दबा रहा हूं। अपनी माँ की सेवा करने में कोई तनख्वाह मांगे उससे ज्यादा फालतू फिजूल कोई आदमी नहीं है। और ये भारत माता की सेवा कर रहे हैं और पैसे मांगते हैं TADA HRA। इन बेईमान नेताओं से पूछो कि भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर ने कौन सा TADA लिया था देश की आजादी लाने के लिए, कितनी तनख्वाह मांगी थी उन्होंने? उन्होंने तो अपनी जवानी लगा दी इस देश के लिए। अगर वो अपनी जवानी लगा सकते हैं देश के लिए तो आजादी के बाद के नेताओं को सेवा करने के लिए तनख्वाह क्यों चाहिए, TADA क्यों चाहिए? मैंने एक दिन हिसाब निकाला, राष्ट्रपति से और नीचे कर्मचारी की सारी तनख्वाहें खत्म कर दो, 77,000 करोड़ रुपए बचेगा। उतने पैसे में किसान का गेहूं 50 रुपए किलो बिक जाएगा आराम से। एक दिन एक नेता कहने लगा, राजीव भाई आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो, सबकी तनख्वाह TADA खत्म करोगे। मैंने कहा हाँ करना ही है, क्योंकि राजनीति कोई धंधा थोड़ी है, व्यवसाय थोड़ी है, ये तो सेवा का काम। आपके गांव में कोई मंदिर है, मान लो मंदिर की सेवा करो तो पैसे लेते हो क्या? क्यों लेंगे पैसे भाई, देश की सेवा करनी है, माता की सेवा करनी। तो कहते हैं जी हमारा भी तो पेट है, खाना खाना। मैंने कहा खाने की व्यवस्था हम करेंगे, चिंता क्यों कर रहे, भूखे नहीं मरने देंगे तुम। तुम संसद में जाओगे, देश की सेवा करोगे तो तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था हम करेंगे। कहने लगे कहां करोगे? मैंने कहा संसद के पीछे बहुत बड़ा गुरुद्वारा चलता है, मालूम है ना आपको, बिल्कुल संसद के पीछे गुरुद्वारा है और 24 घंटे लंगर है वहां, और बढ़िया लंगर है, मैंने खाया है कई बार। रोटी मिलती है बहुत अच्छी, दाल मिलती है, सब्जी मिलती है बहुत स्वादिष्ट है, और कभी कभी दही भी मिल जाता है, और हलवा तो देसी घी का हमेशा ही मिलता है वहां। तो लंगर में खिलाएंगे सबको, 543 सांसद लोकसभा के, 250 राज्यसभा के, 850 लोग दिक्कत क्या है? कहने लगे ये विधानसभा के MLA तो सब विधानसभाओं के आसपास एक एक गुरुद्वारा खुल जाएगा, सब विधानसभाओं के नजदीक लंगर चलेगा, क्या मुश्किल है? सरदार अभी इतने गरीब नहीं हो गए इस देश में, जो गांव गांव गुरुद्वारा खोल सकते हैं वो विधानसभाओं के नजदीक भी गुरुद्वारा खुल जाए, वहां भी मिलेगा सबको भोजन पानी, तो सबको मिलेगा, भूखा कोई नहीं मरेगा। फिर कहने लगी जी कपड़े भी चाहिए, मैंने कहा कपड़े भी दिलवाएंगे,
भारत में करोड़ों किसान कपास पैदा करते हैं, उनसे कपास भांगेंगे भीख में और उस कपास से कपड़े बनवा के दे देंगे सबको, कपड़े भी मिल जाएंगे और बाकी तो सब मुफ्त में मिलता ही है। आपको मालूम है रेल यात्रा फ्री है सब नेताओं की, हवाई जहाज यात्रा फ्री है सब नेताओं की, बस की यात्रा फ्री है सब नेताओं की, घर फोकट में मिलता है सबको, बिजली फोकट में मिलती है, पानी फोकट में मिलता है, टेलीफोन फोकट में मिलता है, ये तो सब फोकट में मिला ही हुआ है। खाना और कपड़ा ये दिलवा देंगे उनको, फिर तनख्वाह किसके लिए चाहिए? और जिनको तनख्वाह चाहिए वो अपने घर में बैठे अपना धंधा करें, बिजनेस करें, पैसे कमाएं। ये राजनीति पैसे कमाने के लिए थोड़ी है, इस राजनीति को देश के लोगों ने खून से सींचा है भाई साहब। भगत सिंह का खून लगा है, उधम सिंह का खून लगा है, लाला लाजपत राय ने खून दिया है, 732,780 क्रांति वीरों ने खून दिया है इस राजनीति को सींचने के लिए। कोई धंधे के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है। राजनीति ऐसी बनाएंगे और संसद और विधानसभाओं में ऐसे ही लोगों को चुनकर लेके जाएंगे जिनको तनख्वाह नहीं लेनी है, पीएडीए नहीं लेना है, एचआरए नहीं लेना है। जो भी पैसा है वो किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, अनाथों के लिए है, उनके लिए पैसा है। ऐसा देश बनाना है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।